अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस वक्त 9:40 हो रहा है, आज फ्राइडे का दिन है, दिन छुट्टी का दिन है, पर हाउस ड्राइवर में भाई कोई छुट्टी उट्टी नहीं होता है। अभी इस वक्त जो है बज रहे हैं 9:40 और लेट से सोया हूँ रात में करीब 4 बजे, और अभी सुबह सुबह 9 बजे 9:30 करीब फिर से उठा दिया गया हूँ, तो निकल रहा हूँ काम पर। तो चलते हैं जहाँ, वहाँ पर आपको दिखाएंगे क्या करने चल रहे हैं। आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें। आज फ्राइडे का दिन, हाउस ड्राइवर को क्या काम करना पड़ता है, कैसे रहते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, ठीक है? चलिए चलते बाहर, फिर वहाँ से कहाँ चलते हैं फिर आप लोग को दिखाएंगे। देखो भाई, ये है ड्राइवर की लाइफ। 4 बजे आया हूँ, 5 बजे करीब सोया हूँ, नींद पूरी नहीं हुई है, फिर से आज छुट्टी का दिन है, फिर भी निकल रहा हूँ काम पर, ठीक है? आप लोग वीडियो ज़रूर देखें। पूरा सन्नाटा है रोड, जुम्मे वाले दिन ऐसे ही रहता है, यहाँ पर सब बंद रहता है। और मतलब फ्राइडे जुम्मा के नमाज के बाद, मतलब कि जुम्मा के नमाज के बाद सब खुलता है, तो बाकी गाड़ियाँ जो है शाम को निकलती है सब बाहर घूमने के लिए। पेट्रोल जो है सिर्फ 1 पॉइंट बता रहा है भाई, और चलना है मुझे 10 से 15 किलोमीटर चलना है, फिर 10 से 15 किलोमीटर वापस आना है, यानी 30 किलोमीटर के मतलब करीब आना जाना है। तो पेट्रोल भी नहीं है, और मुझे जहाँ जाना है सुबह सुबह, अगर वहाँ पर जल्दी नहीं पहुँचे तो वो बंद हो जाएगा, फिर ये भी मुश्किल है। फिर उसके लिए भी 2 बार सुनो कि जल्दी क्यों नहीं गए, पेट्रोल नहीं था तो क्यों नहीं भरवाए, ठीक है? तो अब फ्राइडे का दिन था, मैं सोचा कि चलो कल भरा लेंगे। अगर पेट्रोल भराने जाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा जो है। तो अब चलते हैं, अल्लाह का नाम लेकर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अब पहुँचने के बाद रिटर्न में भरा सकते हैं, क्योंकि अगर जाते समय भराऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आज मैं अपने ब्लॉग में बताऊंगा कि छुट्टी वाले दिन ड्राइवर को क्या क्या करना पड़ता है, कैसे रहते हैं, क्योंकि हर काम में छुट्टी है और हाउस ड्राइवर के काम में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। लगभग पहुंच गया हूं मैं, इधर ही है, यहाँ पे वो थोड़ा सा आगे है, और ये एरिया जो है अजीजिया है। यहाँ पर सब सारे पाकिस्तानी भाई लोग रहते हैं, पाकिस्तानी और इंडिया मिक्स रहते हैं, इसमें थोड़ा बहुत सऊदी वगैरह रहते हैं, पर इंडिया और पाकिस्तान के ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग रहते हैं यहाँ पर। तो मैं आया हूँ यहाँ पर नाश्ता लेने। यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत भाई पार्किंग का है, जो है पार्किंग नहीं मिलता यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश रहता है जो है, देखिए। और थोड़े सा भी अगर लापरवाही किए तो ड्रामा आ जाता है। एक पाकिस्तानी होटल है निराला के नाम से, तो वहाँ पर से मैं नाश्ता लेने आया हूँ, और नाश्ते में रहेगा एक पराठा है, और एक पूरी है, हलवा है, और एक पाया है, और यही सब है, तो ले लेते हैं, और एक आलू का पराठा है। यार गाड़ी पार्किंग करने कहीं जगह नहीं मिला है जो है, पर होटल के सामने ही गाड़ी खड़ी कर दे रहा हूँ और चल रहा हूँ लेने। हालांकि वो उसको मैंने ऑर्डर दे दिया है, वो बाहर आके ऑर्डर ले लिया। ले लिया हूँ, देखिए हलवा वगैरह दिख रहा है, और पूरी है इसमें, पाया है, फिलहाल सब ले लिया हूँ। और ये जो है कफिल के लिए है पूरा नाश्ता, और ये मैं अपने लिए लिया हूँ एक पूरी और सब्जी और हलवा। तो नाश्ता वगैरह ले लिया भाई, अब निकल रहे हैं घर। पेट्रोल तो एक ही पॉइंट बचा है, बट इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे घर पर जरूर आराम से। और आज फ्राइडे का दिन है, आप लोग वीडियो में बने रहे, और मैं बताऊंगा पूरा कि फ्राइडे के दिन यहाँ ड्राइवर को क्या क्या करना पड़ता है। कोई छुट्टी नहीं देती भाई, सारा काम करना पड़ता है। फ्राइडे के दिन तो और ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये मत सोच के चलिएगा कि हमें छुट्टी मिलेगा सबके जैसे, तो बिल्कुल नहीं है। टाइम हो रहा है 10:19, पेट्रोल अभी भाई एक पॉइंट बता रहा है, कोई टेंशन नहीं है,
इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा जरूर घर पर। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और वीडियो वॉच भी करते हैं, तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार जो है बना के रखिए और सपोर्ट जरूर कीजिए हाउस ड्राइवर भाई को, ठीक है। और मैं इंडिया में यूपी से हूँ, प्रतापगढ़ ज़िले से हूँ। तो भाई रूम के अंदर अभी आया हूँ और चल रहा हूँ नाश्ता वगैरह करने। नाश्ते में ये छोला है और ये हलवा है, ये पूड़ी है और ये पानी है। और इधर मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया है, तो चाय भी बन रहा है, नाश्ता कर लेंगे उसके बाद चाय पियेंगे, फिर आप लोग से मिलते हैं जुमा के वक्त। और भाई ये नाश्ता जो है मैंने अपने पैसे से नहीं खरीदा है, कपिल का जब लेने गया था तो उसने बोला जो तुमको खाना रहेगा वो ले लेना, मतलब पाया खाना रहेगा, पराठा खाना रहेगा, पूरी खाना रहेगा, जो मर्जी खाना रहेगा ले लेना। तो मैंने जो है ये पूरी लिया सुबह सुबह, और सुबह सुबह जानते हो पाया वाया मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं सोचा यही पूरी अच्छा है तो यही ले लिया। तो मेरा जो कपिल है भाई बहुत अच्छा है, तो वो कार्ड जो है मेरे पास रहता है, वो बोलता है कि जो मर्जी खाने पीने का जो मर्जी हो कार्ड तुम्हारे पास रहता है, ले के खा लिया करो, पूछने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे शर्म लगता है यार, क्योंकि अब कोई आदमी इतना छूट दे दे तो फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए, खुद को शर्म लगता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत अच्छा है, कम से कम ये तो बोलता है। बाकी यहाँ पर ड्राइवरों को देखता हूँ कि भाई एक पानी के लिए भी नहीं पूछते हैं, तो अपने के लिए इतना छूट है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो जुमा का वक्त हो चुका है, नहा वहा के सब रेडी हूँ, अब चल रहे हैं जुमा का नमाज़ पढ़ने, उसके बाद नमाज़ पढ़ कर आएंगे। फिर कहाँ जाता हूँ कुछ मालूम नहीं है, फिर क्या काम रहेगा कुछ पता नहीं है, जो भी रहेगा ज़रूर आप लोग को बताऊँगा, आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें। भाई नमाज वगैरह पढ़ के आया, खाना वाना खा के थोड़ा आराम किया था, मैडम की लड़की के लिए कॉफी लेने जा रहा हूँ, तो अभी टाइम हो रहा है 2:40, तो अभी चल रहा हूँ। धूप बहुत ज़्यादा है यार, धूप में कोई काम वो करने के लिए बोलते हैं मूड ख़राब हो जाता है। गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, तो जैसे आप लोग सुबह ने देखा ही था जो है 1 पॉइंट पेट्रोल था, तो अभी चल रहे पेट्रोल लेंगे पहले, उसके बाद चलेंगे कॉफ़ी लेने, फिर आएंगे, फिर देखते हैं क्या काम होता है दूसरा। आज फ्राइडे है और आज फ्राइडे के दिन देखिए ड्राइवर क्या क्या करते हैं, क्योंकि जो है छुट्टी का दिन रहता है, तो ऐसा नहीं है कि छुट्टी का दिन रहता है तो ड्राइवर को भी छुट्टी रहता है, ऐसा कुछ नहीं भाई। हाँ ड्राइवर में बिल्कुल छुट्टी नहीं रहता है, किसी दिन छुट्टी तो भूल ही जाओ भाई, क्या है छुट्टी कुछ नहीं, तो छुट्टी किसको बोलते हैं हाउस ड्राइवरी में भूल जाओ यार। देखो पेट्रोल वगैरह डलवा रहा हूँ, तो पेट्रोल भाई ले लिया हूँ, अभी जो है 50 रियाल का पेट्रोल लगवाया हूँ, तो ये मेरी गाड़ी जो है 50 रियाल का पेट्रोल इसमें 4 दिन चलता है। टाइम हो रहा है इस वक्त 2:47, कॉफी ले लिया, अब निकल रहे हैं घर के लिए, ठीक है। तो भाई इस वक्त शाम को 5 बज रहे हैं, अब चल रहे हैं जो काम है ड्यूटी, यानी ड्राइवर का जो मेन काम है वो करने चल रहे हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे, नहीं समझ में आएंगे तो आप वीडियो देखें, वीडियो में समझ जाएंगे कि ड्राइवर का मेन असली काम क्या होता है, वो करने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए जो है यहाँ पर ड्राइविंग के अलावा और क्या क्या काम करना पड़ता है, तो आप लोगों को दिखाऊंगा। ये एरिया देख रहे हैं आप पूरा, ये धुलाई करना है, ठीक है, उसके बाद ये इस गाड़ी को धुलाई करना है, ठीक है, आप लोग वीडियो देखते रहें।
गाड़ी को यार कल धोया था, इसलिए गाड़ी नहीं धोऊंगा, सिर्फ चक्का धो दे रहा हूँ बस, ताकि मालूम पड़े कहाँ धुलाई किया हुआ है। इस वाली गाड़ी को धो देता हूँ, क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो बारिश में ख़राब हो गई थी। यहाँ पर ऐसे ये थोड़ा दो चार बूंदे गिरा नहीं कि गाड़ी की वाट लग जाती है। इस पर सिर्फ पानी मारता हूँ। तो भाई घर भी धो दिया और गाड़ी भी धो दिया, अब थोड़ा नहा वहा लूँ क्योंकि अगला काम फिर आने वाला है। भाई ऐसी है हाउस ड्राइवर की ज़िंदगी, मतलब छुट्टी वाले दिन भी यहाँ कोई छुट्टी वगैरह नहीं होता है, फ्राइडे के दिन और ज़्यादा काम रहता है। बस ऐसे ही है, ये आप ना सोच के आइए कि जो है आम हाउस ड्राइवरी में चल रहे हैं। जो बोलते हैं ना यार मैं तो एसी में हमेशा घूमते रहता हूँ, गाड़ी में एसी रहता है, घर पे एसी रहता है, हाँ रहता है, पर जो है ये सब भी काम करना पड़ता है हाउस ड्राइवरी में। अगर मना करते हो नहीं करूँगा तो ये सीधा बोलते हैं कि सामने जो ड्राइवर है या किसी और घर में बताएंगे बगल वाला ड्राइवर है, सारा काम करता है। तो मजबूरी में इंसान सोचता है यार चलो यार कर लेते भाई, सामने वाला भी तो कर रहा है, बगल वाला भी तो कर रहा है। तो फिलहाल अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी मैं निकल रहा हूँ, अजीजिया मैडम का कुछ काम है तो अजीजिया जा रहा हूँ अभी। तो आते आते मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, 11 बजे की 12 बजे, और भी काम है उधर। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर क्लोज, आप लोग दुआ में याद रखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल पे। भाई हाउस ड्राइवर भाई की कम से कम हेल्प कीजिए, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए कि ऐसी लाइफ है यहाँ पर, यहाँ पर छुट्टी वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, आप लोग अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़।